राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने 500 रुपए में रसोई गैस और 100 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की है। राजस्थान सरकार के इस फैसले को बसपा सुप्रीमो मायावती ने छलावा करार दिया है। इसको लेकर बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट करते हुए बड़ा सियासी निशाना साधा है। मायावती ने कहा कि राजस्थान में विधानसभा आम चुनाव के नजदीक अब वहां की कांग्रेस सरकार द्वारा 500 रुपए में रसोई गैस और 100 यूनिट फ्री बिजली देने आदि की घोषणा स्पष्टतः चुनावी छलावा नहीं तो और क्या है, जबकि बढ़ती महंगाई के मद्देनजर इनको एक कार्य बनने के प्रारंभ में 5 साल पहले कर देना चाहिए था। बसपा सुप्रीमो ने यह तक कहा कि राजस्थान की तरह ही जनहित और जन कल्याण कार्यों में विफल रही छत्तीसगढ़ की कांग्रेस, मध्य प्रदेश की भाजपा और तेलंगाना की बीआरएस सरकार विधानसभा चुनाव के नजदीक आने पर अपनी सरकार को बचाने के लिए अनेकों प्रलोभनों और भ्रामक विज्ञापनों आदि के छलावे का सहारा ले रही है, जबकि जनता इनसे ऊब चुकी है। इसके अलावा मायावती ने यह तक कहा कि उपरोक्त चारों राज्यों की जनता ने इन पार्टियों की सरकार को चुनावी वादे के मुताबिक महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन आदि दूर करने और राज्य का अपेक्षित विकास करने का भरपूर मौका दिया, किंतु इन पार्टियों की सरकारों ने जनता के हित की अनदेखी और उनके साथ विश्वासघात किया। बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार रात ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, हर महीने 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले वर्ग के परिवारों को पहली 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, यानी कितना भी बिल क्यों ना आए, पहले 100 यूनिट का कोई विद्युत शुल्क नहीं देना होगा। गौर करने वाली बात है कि राज्य सरकार ने 100 यूनिट बिजली प्रतिमाह उपभोग करने वालों का बिजली बिल पहले ही शून्य कर रखा है। गहलोत के अनुसार उन्हें पहले की तरह कोई बिल नहीं देना होगा।